आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आप प्रत्याशी पर आरोप है कि वे बिना इजाजत के होटल में सभा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के छतरपुर विधानसभा उम्मीदवार भागीरथ पटेल द्वारा बगैर अनुमति के होटल तुलसा इन से आम सभा को संबोधित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत किसी शख्स ने सी विजन पर कर दी, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक टीम के साथ होटल पहुंचे और जांच पड़ताल करते हुए यह पाया कि बगैर अनुमति के सभा की गई, जिस पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भागीरथ पटेल और होटल संचालक दिलीप शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आज FST टीम ने थाने में आकर सूचना दिया कि एक होटल में एक राजनीतिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विधायक के छतरपुर विधानसभा से, वो बिना वैध परमिशन की, बिना अनुमति के और एक सभा आयोजित किए थे, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वही एक राजनीतिक पार्टी के एक विधायक के उम्मीदवार हैं और साथ में अन्य जो आएंगे वो सभी जुड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।